ये तो बहुत सीनियर आदमी है पिक्चर का, दो बेस्ट गाने इन्होंने दिया, एक विष्णु देवा ने दिया टल्ली 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 आजा हो जाए विष्णु देवा। तो हमने क्या अलग अलग जोनर के गाने हैं, सो वी डेलिबरेटली डिड नॉट स्टिक टू वन म्यूजिक डायरेक्टर। हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपने ये होता है, उसको वी हैव एक्सप्लॉइटेड दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर। अलग अलग पांच म्यूजिक डायरेक्टर है। हाँ, तमाम दोस्त अहबाब को मैं अपना सलाम नमस्कार प्रणाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों की दुआ है कि सन 1980 से मैं इस लाइन में हूँ और काफ़ी फिल्मों में गीत संगीत दिया है, और आज मैं क्रेजी गर्ल के बारे में कहने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इसका संगीत डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा बनवाया है। जैसे शक्ति कपूर साहब का शक्ति कपूर और हीरोइन पर जो गाना पिक्चराइज है, और एक गाना जो इसमें कट्टो कटीली जो मैंने दिया है वो काफ़ी दोस्तों को जनता को पसंद आ रहा है। मैं आपका बड़ा ममनून ही इसलिए गाना, जैसे कि ओ तेनु बुढ़िया चढ़ी जवानी वो तेरा लहू हो गया पानी, बचड़ी नल पे चेलावे तेनु रता शर्म ना आवे, वे पैड़ियां तेरियां नीता बुढ़िया की रीसा हो तेरियां की रीसा हो बुढ़िया की रीसा वे खूसट की रीसा। ये गाना जो मैंने इसमें दिया है, और एक गाना जो कट्टो कटेली है। बोलना चाहता हूँ डायरेक्टर इन्होंने दिया, लेकिन इस पिक्चर में सबसे सुरीला आदमी हमारे प्रोड्यूसर साहब है, उनको म्यूजिक का नॉलेज इतना अच्छा है, उन्होंने ये जो पंजाबी वाला स्टाइल का जिन्होंने गाया, इनके साथ सिटिंग किया उन्होंने, खासकर ये गाना और कट्टू कटेली, उनको म्यूजिक का एक पर्सनल बहुत शौक है। तो ये फिल्म का जितने भी गाने हैं इसके पीछे अगर 50% कंट्रीब्यूशन किसी का भी है, इट इज द प्रोड्यूसर मिस्टर रंजीत सामा साहब का 101%। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द पिक्चर। रंजीत सामा साहब के साथ मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, और मेरा उनसे और उनका मेरे से ऐसा दिल मिल गया है कि वो मुझे छोड़ते नहीं और ना ही मैं उन्हें छोड़ता हूँ, और आने वाले वक्त में भी हम अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे, और मैं पूर्व उम्मीद हूँ कि आप ये पिक्चर क्रेजी गर्ल ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। रोलिंग नीतिका शर्मा जी है, ये फिल्म की मेन हीरोइन है, इनको पर ही सब्जेक्ट है, जो मिडिल क्लास घर की लड़की है, जरीना वहा फादर है, मोहन जोशी फादर है, अच्छी परवरिश हुई है, लेकिन ये लड़की